हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे जो भी आपके फ्रेंड्स ट्रिपल सी एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर ट्रिपल सी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हो सके। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, सामान्यतः लोग किसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सामान्यतः लोग किसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, CPU यानी कंट्रोल प्रोसेस, CPU जो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, या फिर कंट्रोल यूनिट या स्टोरेज यूनिट, इनमें से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ALU को, CPU को, कंट्रोल यूनिट को, या फिर स्टोरेज यूनिट को। इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा, CPU का जो है दिमाग यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, CPU को कहते हैं। CPU आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। CPU आपका करेक्ट आंसर होगा। CPU को जो है कि कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त CPU को माइक्रोचिप, CPU चिप, कंप्यूटर चिप, या फिर जो है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर इत्यादि नामों से भी CPU को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, क्या होगा, CPU। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन क्या है आपके पास, SRAM यानी स्टैटिक रैम, DRAM यानी डायनेमिक रैम, ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। डी नंबर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो इसमें किससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ROM, ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसके डेटा को मिटाया नहीं जा सकता, नॉन वॉलेटाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के निस्तारण के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस प्रयुक्त होता है। यानी बैंकिंग का काम जब होता है तो बैंकिंग के काम में इनमें से कौन से डिवाइस का यूज करके जल्दी से चेक संबंधी कार्यों को कंप्लीट किया जाता है। चेक संबंधी कार्यों को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, बार कोड रीडर का, OCR यानी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का, या फिर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर का, या फिर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वहाँ पर जो है कि अगर आपका बैंकों में जो चेक होता है, चेक पे मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखा गया होता है, जिसे रीड करता है MICR मशीन। यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में जो चेक होते हैं उनको तेज गति से निस्तारण के लिए, तेज गति से काम करने के लिए उनसे संबंधित आपका MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, MICR आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, सिस्टम डिवाइस, या फिर अटैचमेंट। सिस्टम डिवाइस या फिर अटैचमेंट करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉनिटर और प्रिंटर जैसे जो भी डिवाइस होते हैं अलग से, वो जो जुड़े होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, सिस्टम डिवाइस कहलाते हैं, या फिर अटैचमेंट कहलाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, जो मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस जो भी डिवाइस आपके CPU से बाहर से जुड़ती है उनको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, पेरीफेरल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है। सर्कुलर प्लेट यानी कि सर्कल के आकार में प्लेट के रूप में कौन सा इसमें से स्टोरेज डिवाइस होता है, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, हार्ड डिस्क, या फिर फ्लैश ड्राइव, या फिर फ्लैश ड्राइव। कौन सा स्टोरेज माध्यम जो होता है सर्कुलर प्लेट के रूप में, सर्कुलर वृत्ताकार प्लेट के रूप में, कौन सा होता है, कैश मेमोरी होता है, रजिस्टर होता है, हार्ड डिस्क होता है, या फिर फ्लैश ड्राइव होता है। तो यह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि जो आपका स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट के रूप में कौन सा होता है, तो हार्ड डिस्क होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क देखने में बाहर से क्या होता है, चौकोर बॉक्स की तरह दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर प्लेट लगी होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट होगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 6, जब हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अस्थायी रूप से यह डॉक्यूमेंट कहाँ पर स्टोर होता है, यानी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वह अस्थायी रूप से वो कहाँ पर स्टोर होता है, रोम में, रैम में, हार्ड डिस्क में, या फिर सीपीयू में, या फिर सीपीयू में। तो जब कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वह अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होगा, बताइए आप लोग, रोम में, रैम में, हार्ड डिस्क में, या फिर सीपीयू में, या फिर सीपीयू में। करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। तो जब कोई डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट कहाँ पर स्टोर होता है आपका अस्थायी रूप से, तो रैम में। कहाँ होता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर रहता है। जब तक हम उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते तब तक कहाँ होता है? वो रैम में स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, और सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन क्विक एक्सेस के लिए है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्विक एक्सेस के लिए है? तो डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम अ मैग्नेटिक टेप, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम अ हार्ड डिस्क, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम अ फ्लॉपी डिस्क, या फिर डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इनमें से कौन सा क्विक एक्सेस के लिए यूज होता है, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम अ मैग्नेटिक टेप, या फिर हार्ड डिस्क, या फिर फ्लॉपी डिस्क, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क? तो क्विकली अगर आपको एक्सेस करना होगा तो इसमें से क्या होगा, सबसे जो है क्विकली आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम अ हार्ड डिस्क से, यानी हार्ड डिस्क से आप डेटा को जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम अ हार्ड डिस्क, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, डाटा सामान्यतः 8-bit यूनिट के कोड होता है, इस यूनिट को क्या कहते हैं, जो डेटा होता है वो क्या होता है, 8-bit यूनिट के कोड में होता है, तो उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, फील्ड कहते हैं, बाइट कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा कि 8-bit यूनिट कोड में होता है उसे क्या कहते हैं, तो 8-bit का क्या होता है आपका, एक बाइट होता है, उसे क्या बोलते हैं, बाइट। क्वेश्चन नंबर 8 का सी नंबर ऑप्शन बाइट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, बहुविकल्पी परीक्षा के आंसर शीट का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, जो आप एग्जाम देने जाते हैं, आप जनरली कई सारे कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है आपको आंसर शीट, आपको बहुविकल्पी परीक्षा के एक आंसर शीट मिलता है जिसमें आपको क्या होता है, गोला बनाना होता है, यानी उसमें जो एक ए बी सी डी ऐसे लिखा होता है उस पर गोला बनाना होता है, तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, तो उसके लिए क्या होता है आपका OMR, क्या यूज होता है, OMR यूज होता है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज करते हैं OMR का, ठीक है। तो 9 का बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, OMR। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लेजर प्रिंटर के रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है, लेजर प्रिंटर के रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, तो API, DPI, CPI, या फिर LSI, या फिर LSI। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, DPI, क्या होगा, DPI आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है बी नंबर 10 का बी नंबर ऑप्शन, DPI ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापेंगे, डॉट्स पर इंच, DPI क्या होता है आपका, डॉट्स पर इंच होता है, तो लेजर प्रिंटर के रिजोल्यूशन किस में मापते हैं, डॉट्स पर इंच में मापते हैं, 10 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है क्या वह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर नहीं है बताना है आपको, तो बताएं आप लोग ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये जो छपाई करते समय क्या होते हैं कि जो इसके हेड्स होते हैं सही लगे रिबन्स पर प्रहार करते हैं, उसके बाद से वो कागज़ से जब टकराते हैं तो उस पर जो है अक्षर टाइप होते हैं, और जो नॉन इम्पैक्ट होता है वे जो है क्या होते हैं उसमें कॉटेज लगे होते हैं जो कि आपके कागज़ पर स्याही की फुहार छोड़ते हैं जिससे कि छपाई होती है। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें क्या आते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स आते हैं, लेजर प्रिंटर्स आते हैं, और जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर ये सभी आते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर का ही उदाहरण है, यानी ये आप क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ये आपका जो है कि ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का ही उदाहरण है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, कंप्यूटर साक्षर होने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर साक्षर होने का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बना सको, तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स, करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
इसके लिए जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, साक्षर होने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का बी, क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्या होगा, फॉल्स। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक माइक्रो कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर में डेटा का स्थानांतरण अपलोडिंग कहलाता है, यानी कि कोई माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर से अगर आपको डेटा को स्थानांतरित करना है मेन फ्रेम कंप्यूटर में तो वो अपलोडिंग कहलाएगा, ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स, ये आपका सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो जब आप माइक्रो कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर में डेटा को स्थानांतरित करेंगे तो क्या होगा, अपलोडिंग होगा, बिल्कुल ट्रू बात है, क्वेश्चन नंबर 13 का ए नंबर ऑप्शन ट्रू होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स। जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वे जो है मुख्य रूप से दो तरह में बांटे जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बिल्कुल सही बात है, मुख्य रूप से दो भागों में बांटे जाते हैं, इसके तरीके आपका तीन भागों में भी मिल सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूटिलिटीज। लेकिन जब दो भागों में बांटा जाता है तब सिस्टम यूटिलिटीज को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग हो जाता है, यानी कि 14 जो है आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, एक ऑप्टिकल डिस्क कंप्यूटर सिस्टम का एक द्वितीयक संग्रहण उपकरण है, यानी कि जो ऑप्टिकल डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क जो है कंप्यूटर के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी जो ऑप्टिकल डिवाइस डिस्क होता है वो क्या, कंप्यूटर के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो क्या ट्रू होगा या फिर फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही बात है, जो ऑप्टिकल डिस्क होता है सीडी डीवीडी, ये क्या होते हैं आपके, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। 15 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है ऑप्टिकल डिस्क। ओके फिर है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक स्पीच सिंथेसाइजर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को बोले गए वाक्यों में परिवर्तित करता है, यानी कि जो स्पीच सिंथेसाइजर होता है इसका काम यह होता है कि जो टेक्स्ट बोले जाएंगे यानी जो कुछ बोला जाएगा उसको जो है कि सेंटेंस में कन्वर्ट करना, यही काम होता है स्पीच सिंथेसाइजर का। तो बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, ट्रू। ठीक है, ये भी आपका ट्रू है, स्पीच सिंथेसाइजर जो है कि आपका क्या काम करता है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में बोले गए सब वाक्यों को टाइप करता है, यानी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ए होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, एक उच्च स्तरीय भाषा को एक ट्रांसलेटर के उपयोग किए बिना कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा होती है क्या उसको बिना ट्रांसलेटर के ट्रांसलेट किए हुए ही कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सकता है, ये सेंटेंस ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बताएं हम लोग करेक्ट आंसर क्या है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स। तो जो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसको कंप्यूटर के समझने के लिए क्या होता है, ट्रांसलेटर के द्वारा उसे लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है तभी कंप्यूटर समझता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, ये आपका सो सेंटेंस है ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जो 17 का बी नंबर ऑप्शन है फॉल्स, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस बटन को दबाने से ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच मूव करने का एक त्वरित तरीका इंस्टेंट मेथड है, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर में एक से ज़्यादा विंडो ओपन किए हुए हैं तो उसमें अगर आपको एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट के यूज करेंगे, ऑल्ट टैब, कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब या फिर शिफ्ट ऑल्ट या फिर शिफ्ट ऑल्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए कि किस बटन को दबाकर आप ओपन किए गए विंडो में किसी एक विंडो से दूसरे विंडो पर जल्दी से जा सकते हैं, ऑल्ट टैब से, कंट्रोल टैब से, शिफ्ट टैब से या फिर शिफ्ट ऑल्ट से। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस टैब, क्या होगा, ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट टैब ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल्ट टैब होता है अगर आपको ओपन विंडो के बीच क्या करना है, मूव करना है तब के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, सेव एज का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताना है आपको कि सेव एज का यूज आप किस लिए करेंगे, तो फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं पहली बार किसी फाइल को सेव करने के लिए, टू सेव फाइल बाय सम अल्टरनेटिव, यानी किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव करने के लिए,
टू सेव फाइल इन अ फॉर्मेट अदर देन वर्ड, यानी एम एस वर्ड की फाइल को किसी अदर फॉर्मेट में सेव करने के लिए, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपर्युक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेव एज का काम ये तीनों होते हैं, यानी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, स्टेटस बार क्या दिखाता है। पेज नंबर दिखाता है, वर्ड काउंट दिखाता है, दोनों दिखाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्टेटस बार क्या दिखाएगा, तो स्टेटस बार जो आपका पेज नंबर भी दिखाता है, वर्ड काउंट भी दिखाता है, यानी कि ए बी बॉथ, ए एंड बी बॉथ, दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि चयनित वाक्य को हटाने के लिए हम निम्नलिखित कुंजी दबा सकते हैं, हम किस कुंजी का यूज करेंगे अगर आपको सेलेक्ट किए गए वाक्य को हटाना है, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट के यूज करेंगे, डेल, बैक स्पेस, दोनों, या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा 21 के लिए, सी 21 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। 21 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, अगर आप अंडू बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे क्या होगा, इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक, यानी कि ये जो है कि नए टेक्स्ट को हटाएगा और पुराने टेक्स्ट को वापस लाएगा, और बी नंबर ऑप्शन है कि इट विल इंक्लूड द न्यू टेक्स्ट एंड रिमूव द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी कि ये नए टेक्स्ट को छोड़ करके क्या करेगा, पुराने टेक्स्ट को हटाएगा, और सी नंबर ऑप्शन है कि इट विल रिमूव द ओल्ड टेक्स्ट एंड रिस्टोर द न्यू टेक्स्ट, यानी कि जो पुराने टेक्स्ट को हटाएगा और नए टेक्स्ट को लाएगा, और डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आप अंडू बटन होता है उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये जो है कि आपके नए टेक्स्ट को हटा करके पुराने टेक्स्ट को वापस लाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसका ए सही होगा, क्वेश्चन ऑप्शन जो है कि आपका ए जो है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है, 22 के लिए ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक। चलिए फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरह। आप क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि कट के लिए शॉर्टकट की क्या है, कट के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल के, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, या फिर ऑल्ट एक्स। तो अगर आपको कट करना है तो कट करने क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स, क्या यूज होता है, कंट्रोल एक्स यूज होता है, और कंट्रोल के आपका हाइपरलिंक होता है, कंट्रोल सी कॉपी होता है, और ऑल्ट एक्स आपका है तो अलग शॉर्ट की हो गई। तो 23 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, रिबूट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, अगर आपको कंप्यूटर को रिबूट करना है तो उसके लिए क्या शॉर्ट की यूज करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट, या फिर विंडो की प्लस आर, या फिर विंडो की प्लस आर। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 24 के लिए करेक्ट आंसर है क्या होगा, 24 रिबूट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, किसी फाइल या फोल्डर का अगर आपको नाम बदलना है तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट के यूज करेंगे, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस आर, एफ थ्री, एफ टू, या फिर ऑल्ट आर, या फिर ऑल्ट आर। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो कि है F2। F2 से क्या होता है, किसी फोल्डर फाइल का नाम बदला जा सकता है, रीनेम करने के लिए 25 का सी नंबर ऑप्शन F2 यूज होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .jpg, .bmp, .gif, या फिर उपर्युक्त सभी, या फिर उपर्युक्त सभी। जो इमेज फाइल होता है, इमेज फाइल के लिए आपका एक्सटेंशन क्या होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी जो है आपके इमेज फाइल के एक्सटेंशंस हैं। 26 का डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने यानी दिखाने के लिए क्या शॉर्टकट के उपयोग की जाएगी, जो साइड बार होता है, साइड बार को दिखाने या छिपाने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज की जाएगी, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस F4, या फिर ऑल्ट प्लस F5, या फिर ऑल्ट प्लस F5। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप साइड बार को छिपाना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F5। क्वेश्चन नंबर जो है 27 के लिए ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस F5। ठीक है, साइड बार को छुपाना या दिखाना है तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F5 यूज करते हैं।
फिर है क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा किस में स्टोर किया जाता है। कोई डेटा अगर आप कहीं से कॉपी करते हैं तो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, ड्राइवर में, टर्मिनल में, क्लिपबोर्ड में या फिर प्रॉम्प्ट में। तो कहाँ स्टोर होता है आपका, क्लिपबोर्ड में। कहाँ स्टोर होगा, क्लिपबोर्ड में स्टोर होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लिपबोर्ड। ठीक है, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए किस माउस तकनीक यानी किस माउस के कमांड का उपयोग किया जाता है, ड्रैगिंग का, ड्रॉपिंग का, राइट क्लिकिंग का या फिर लेफ्ट क्लिकिंग का, या फिर लेफ्ट क्लिकिंग का। करेक्ट आंसर क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए किस माउस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग या फिर लेफ्ट क्लिकिंग, या फिर लेफ्ट क्लिकिंग। तो प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए किस माउस तकनीक का उपयोग करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपका, राइट क्लिकिंग। राइट क्लिक से जो है कि आप ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट क्लिकिंग। 29C राइट क्लिकिंग ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, विंडोज में मदद प्राप्त करने के लिए F1 दबाना एक सामान्य तरीका है, यानी कि अगर जो है कि आप विंडोज यूज कर रहे हैं, अगर आपको कोई हेल्प पाना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट के यूज करेंगे, F1 यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, F1 क्या होता है आपका, हेल्प के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 30 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास फिर हमारी यहीं तक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, और आप जो है कि नए जो भी अपडेट आए हमारे चैनल पर उसको आप प्राप्त कर सकें। और साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जो भी आप लाइक या शेयर करते हैं बस उसी से हम लोगों का जो भी है मिलना है, बाकी आपसे कोई चार्ज तो किया नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप अपने जो भी फ्रेंड हो उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए, और जिससे कि वो भी आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।